हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब आपको ITC के शेयर के अंदर क्या करना चाहिए, या फिर आपको इसको होल्ड करना भी है या फिर ये और गिरने वाला है। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ब्रोकरेज फर्म का क्या कहना है। ये देखिए, यहाँ पर सेंट्रम ब्रोकिंग ने जो इसका टारगेट दिया है 353 रुपीज पर शेयर का, और जबकि आज शेयर क्लोज हुआ है 215 रुपये पे, मतलब आज की क्लोजिंग के ऊपर 138 रुपीज ऊपर का यहाँ पर टारगेट दिया हुआ है। तो देखिए, अभी सेंट्रम ब्रोकिंग इसके ऊपर एकदम बुलिश बनी हुई है, उनको ऐसा लगता है कि ITC में आपको कभी भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब देखिए, JioJet ने यहाँ पर टारगेट दिया है 265 रुपीज का, जो कि आज की क्लोजिंग के ऊपर 50 रुपीज अप का टारगेट होता है, जो लगभग 25% आज की क्लोजिंग प्राइस पर होता है। तो देखिए, यहाँ पर हर ब्रोकरेज फर्म इसके ऊपर बुलिश बैठी हुई है। और अगर आप HDFC सिक्योरिटीज की अगर आप बात करेंगे, तो ये देखिए, उन्होंने भी यहाँ पर 245 का इसके ऊपर टारगेट दिया है, जबकि आज की क्लोजिंग है 215 रुपये, तो वो भी 30 रुपये ऊपर। अब इनका जो टारगेट है वो लगभग 15% का है, तो देखिए 15% भी एक अच्छा टारगेट है। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, इन सबका जो टारगेट है वो लगभग मिनिमम 15 से 20% का तो है ही है। तो देखिए, ये सब बुलिश क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको आगे चल के इसके फंडामेंटल्स में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक ITC के लिए एक बुरी खबर ये है कि मैरिको भी अब इंस्टेंट नूडल्स में आ गई है। उन्होंने भी अब नूडल्स का धंधा चालू कर दिया है, उन्होंने लॉन्च कर दिया है इन नूडल्स को। तो इससे जो ITC है और नेस्ले इंडिया है, दोनों को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी दोनों ही मार्केट लीडर्स हैं। नेस्ले इंडिया का जो मैगी प्रोडक्ट चलता था वो, और जो ITC का यिप्पी नूडल्स तो वो चलता था वो, तब मार्केट में मैरिको भी लॉन्च हो गया। तो इससे क्या होगा, इन दोनों के मार्केट शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इसीलिए आपको नेस्ले और ITC के अंदर थोड़ा सा प्रेशर दिखता हुआ नजर आया। अब ये देखिए, फंडामेंटली ये शेयर एकदम सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है, कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं है इस शेयर के अंदर अभी भी। ये देखिए, 17.55 का इसका प्राइस टू अर्निंग है, जबकि सेक्टर में 48.59 का इसका सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग है। सेक्टर के मुकाबले ऑलमोस्ट 1/3 वैल्यूएशन पर ये शेयर आपको अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इसकी प्राइस टू बुक की बात करेंगे, तो ये भी देखा जाए तो लगभग जो सेक्टर का प्राइस टू बुक है उसके मुकाबले आधे से भी कम भाव पर ये शेयर आपको अभी मिल रहा है। तो देखिए, फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें, तो फंडामेंटली ये शेयर अभी बहुत ही अंडर वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। देखिए, और मेन बात यह, सेक्टर के मुकाबले ये आपको अच्छी डिविडेंड यील्ड देता है। ये देखिए, 4.63% का डिविडेंड, मतलब अगर आप अपना पैसा सेविंग डिपॉजिट में ना रखकर अगर आप सिर्फ इसमें भी डाल देंगे, तो सेविंग डिपॉजिट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलेगा। उन जहाँ पर उतना आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उतना यहाँ पर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो देखिए, एक बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए, भले आपको थोड़ा सा कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप देखिए, अगर आपके अगर सपोज आपने 10 शेयर लिया ITC के, तो आपको कितना 2,200 रुपीज़ लगेगा, तो आपको बैंक में कितना 3.5% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको 4.63% डिविडेंड मिल जाएगा, तो एक बढ़िया बात है ना, आपको 1% ज़्यादा मिलेगा। तो आप अपना सेविंग डिपॉजिट में पैसा यूं ही ना रखकर इसमें रख दीजिए, आपको उससे अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, और कैपिटल एप्रिसिएशन वो अलग है। अब ये देखिए, इस बार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी गिर गई थी, लगभग 11% का प्रॉफिट इसका गिर गया था। इसका रीज़न मैंने आपको बताया है, क्योंकि ITC का जो होटल वाला धंधा है वो अभी बिल्कुल कम पड़ा हुआ है, और जो कंपनी का जो मेन सिगरेट और उससे रेवेन्यू आता है उसके ऊपर एक भयंकर टैक्स देखने को मिला था, इसीलिए आपको ITC की प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग 11% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन ये देखिए, उससे पहले के पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस को अगर आप देखोगे, तो ये देखिए, ITC ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है, और पिछले 4 साल से लगातार इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देखिए, पिछले 4 साल से लगातार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। लेकिन देखिए,
इसका जो होटल वाला धंधा है वो अभी एक्चुअली में होटल्स ही बंद पड़ी हुई है। देखिए लेमन ट्री होटल, चैलेट होटल, इन सब ने तो इतना भयंकर लॉस भी रिपोर्ट किया है। तो देखिए आपको यहाँ पर शॉक नहीं होना चाहिए कि आईटीसी के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है, रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म व्यू से अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट खराब नहीं थे। अब ये देखिए आज भी इसमें लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली, 1.32%। देखिए इसके हाई पे नजर डालिए, 367.70 का इसका हाई है और अभी आपको मिल रहा है 215 रुपीज़ पे। मतलब हाई से देखा जाए तो 152 रुपीज़ डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब 152 रुपीज़ यानी कि लगभग लगभग आपको 40-50% ये शेयर आपको अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए आईटीसी कब से वीक पड़ा हुआ है, कब से ये हमेशा रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि ये आईटीसी का शेयर अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा अब बढ़ेगा। और मेन बात ये है कि आईटीसी के अंदर रिटेल की होल्डिंग खासी ज़्यादा है और एफआईआई और इनके पास अभी इतना होल्डिंग नहीं पड़ा हुआ है। देखिए जब अगर इनके पास इतना बड़ा होल्डिंग अगर इनके पास रहेगा, एक बार इनका इसके ऊपर नज़र पड़ती है, देखिए उनकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन अभी मेन फोकस क्या हो गया है कि रिटेल की होल्डिंग अभी खासी ज़्यादा है, तो कैसे भी करके वो रिटेल की होल्डिंग कम करवाएंगे। फिर रिटेल की होल्डिंग कम होगी उसके बाद एफआईआई और ये डीआईआई माल खरीदेंगे, ऑपरेटर माल खरीदेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये शेयर चढ़ेगा। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इसमें बने रहना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इसमें डिविडेंड भी अच्छा खासा मिल रहा है, 4-5% का डिविडेंड मिल रहा है, वो भी सेविंग डिपॉजिट से ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए इतना एक बढ़िया बात है। और मेन बात यह है कि आईटीसी में गिरावट के चांसेस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अगर ये गिरता भी है तो आपको इसको जरूर डिप में खरीदते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा गट फीलिंग है, मेरी गट फीलिंग ऐसा कह रही है कि आईटीसी के अंदर आपको कभी भी मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ सकता है, ये शेयर कभी भी रॉकेट की तरफ भाग सकता है। तो इसीलिए आपको इसमें बने रहना है, आपको इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ, और रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, देखिए अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर ले रखा है तो अभी थोड़ा सा वीकनेस शेयर में है, लेकिन 2015 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी इसका बना हुआ है। अगर ये 2018 और उसके बाद में 2021 के लेवल तोड़ता है तो आपको इसमें आराम से 2030 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और 2030 को भी अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको इसमें 245 के लेवल जल्द ही देखने को मिलेंगे। अब रही बात क्या इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से तो आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए अगर मार्केट भयंकर गिरता भी है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आईटीसी मैक टू मैक 200 रुपये तक जाएगा, 200 रुपये के नीचे के जाने के चांसेस इसके मुझे अभी कम नज़र आ रहे हैं। अब देखिए 200 रुपये भी अगर ये जाता है तो कम से कम 6-7% की गिरावट इसके अंदर होगी, तो ये 200 के नीचे जाएगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको आईटीसी के जो मैंने न्यूज़ बताई, जो इसके ब्रोकरेज टारगेट थे उसके बारे में बताया, और जो मैरिको भी नूडल्स लेकर आया है वो न्यूज़ बताई, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।